Assalamu alaikum and welcome to another episode of Debate with me, Mehreen Khan. आज की करारदाद है कि मुल्क से बाहर रह के मुल्क से मोहब्बत नहीं हो सकती। कुछ लोगों का कहना है कि मुल्क से जो बाहर पाकिस्तानी जाते हैं वो खुदगर्ज होते हैं, अपने ज़्यादा कमाने के लिए फॉर देयर ओन कम्फर्ट एंड अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो मुल्क छोड़ देते हैं। दूसरी जानिब ये सोचे कि ये लोग रोज़ी की मजबूरी से बाहर जाते हैं और इनकी मुहब्बत वतनी में कोई कमी नहीं आती, दे जस्ट इज़ पेट्रियाटिक अबाउट पाकिस्तान एज एनी वन लिविंग है। तो आइए मिलते हैं आज की टीम से। हमेशा की तरह द ग्रीन टीम विल बी फेवरिंग द रेजोल्यूशन एंड द रेड टीम विल बी अगेंस्ट इट। सो लेट्स सी हमारे आज गेस्ट्स कौन हैं। ऑन द ग्रीन टीम वी हैव सेलिब्रिटी डिबेटर अली सलमान। ही इज़ अ वेल नोन एक्टर, मॉडल एंड कॉम्पेयर, और उनका साथ दे रहे हैं मोहम्मद आसिफ स्टूडेंट्स की जानिब से। ही इज़ एट डाउ यूनिवर्सिटी जहाँ पे वो हेल्थ एंड साइंसिस के शोबे से मुंसलिक हैं। And on the red team, it's a great pleasure to welcome Sahir Lodi. Aap sabhi jante hain Sahir ko. He's had these hit shows, The Sahir Lodi Show and Ye Shaam Tere Naam. Aur unka saath de rahi hain Ritha Essen. Ritha is doing her BSc Part 2 in Commerce for Jinnah University for Women. To aaiye dete hain, let's give them a warm round of applause for both teams. To aaiye shuru karte hain debate. और सबसे पहले स्पीकर होंगे ग्रीन टीम से मोहम्मद आसिफ। मेरा आज का मौजू है मुल्क से बाहर रहकर मुल्क से मोहब्बत नहीं हो सकती। मैं आप लोगों से पूछता हूं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं आप उसको पास रहना चाहेंगे या उससे दूर होना चाहेंगे? जब बात मोहब्बत की जाती है तो ये ज़रिया है पास आने का। ये कौन सी मोहब्बत है जो आपको दूर ले गई? दूरियों से फासले तो बन सकते हैं मगर मोहब्बतें नहीं। बाहर जाने वाले लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर हायर एजुकेशन नहीं, यहाँ पर पैसे कमाने के ज़राए नहीं, और सोने पे सुहागा ये कि इस मुल्क के हालात ठीक नहीं। हालात मेरे अजीज़ हमवतनों, हालात तो अक्सर हमारे घर के भी ख़राब हो जाते हैं, तो क्या करें, हम घर छोड़ दें? माना कि आज इस दरख्त की छाँव तले ठंडी हवा नहीं, तो क्या करें, इस दरख्त को काट दें जिस पर हमारा बसेरा। Great speech. It seems that Asif has really made an impression on this studio audience. To ab chalte hain Ritha Ehsan ki taraf. Ritha, you're not intimidated by that start from Asif, I hope? Yes, ma'am. Theek hai. Okay, Ritha, aapke paas bhi 3 minute hai. Against the motion, please start now. Ae mauze naseeme subah chaman, khushbash suna phir haale watan, kohsaro daman kis haal mein hain? वादियों खयाबान कैसे हैं? ये तड़प या इश्क की कैफियत उसी शख्स में महसूस की जा सकती है जो वतन से दूर रहता है। आपने बात की कि हम लोग अगर दूर हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब कि मोहब्बत नहीं। एक माँ के चार बच्चे होते हैं, अगर उनमें से दो हुसूले इल्म की खातिर बैरून मुल्क जाते हैं तो क्या उन्हें अपनी माँ से मोहब्बत नहीं? इस बात का जवाब ही ये दलील है कि वतन से बाहर रहकर भी वतन से मोहब्बत की जा सकती है, बल्कि उन्हें अपने वतन से ज़्यादा मोहब्बत होती है। करीबन 4 मिलियन ओवरसीज 150 मुल्कों में ना सिर्फ रहकर अपना फ़ायदा कर रहे हैं बल्कि अपने हम वतनों को भी वहाँ रोज़गार मुहैया करते हैं। और अब बारी है हमारी सेलिब्रिटीज़ की। अली सलमान, वेलकम। थैंक यू वेरी मच मेहरीन। दीज टू स्टूडेंट्स और या मेरे पार्टनर और रिदा जो हैं, दे आर लाइक दे हैव अ ग्रेट हेड स्टार्ट। एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं रिदा, कि हम यहाँ पर एक दूसरे को, वी नॉट फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, जस्ट अ पॉइंट कि हम एक दूसरे को परसुएट करेंगे। इन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी बोली है कि सफरे राह में वो लोग बाहर वापस आते हैं और हमें बताते हैं कि सिस्टम्स कैसे बनाए जाते हैं। माई लिटिल सिस्टर, सिस्टम्स अगर हमें बाहर वाले सिखाते हैं ना आके, तो आज पाकिस्तानियों की कॉन्ट्रीब्यूशन से दुबई बना है, आज पाकिस्तानियों की कॉन्ट्रीब्यूशन से सिंगापुर बना है, आज पाकिस्तानियों की कॉन्ट्रीब्यूशन से मलेशिया बना है। एंड आई थिंक इट्स अबाउट एज वी से इनम अल माला बिनियात, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। हमने हिस्ट्री से कुछ सीखा नहीं है। बट लेट्स गेट बैक टू द डिबेट। देखें, मोहब्बत तीन तरह की होती है। एक होती है प्रैक्टिकल मोहब्बत। ये मोहब्बत वहाँ होती है जहाँ आपको मसाइल का पता होता है, जहाँ आपको चैलेंजेस का पता होता है, एंड यू लुक एट इट विद वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच, जिसमें आप उसको बड़ा टेक्निकली एड्रेस करते हैं। एक होती है इमोशनल मोहब्बत। इमोशनल मोहब्बत ये है कि हमारे चार सूबे, मेरा एक भाई है बरमदार बुकटी, वो एक स्टेटमेंट दे देता है, गॉड नोज व्हाट प्रेशर्स और व्हाट चैलेंजेस ही इज फेसिंग, और उस पर पूरा नेशन हमें एक इमोशनल स्टेट में आ जाते हैं। और लास्ट होती है अनकंडीशनल मोहब्बत। प्रैक्टिकल मोहब्बत वो है जिसपे हमारे लीडर्स, जो हमारी लीडरशिप मुल्क को चला रही है,
इमोशनल मोहब्बत वो है जो हमें डेली बेसिस पे रैशनलाइज करती है, हम रिएक्ट करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि हमें मुल्क से मोहब्बत है, और अनकंडीशनल वो मोहब्बत वो होती है जिसकी वजह से आज मुल्क चल रहा है. एंड दीज थ्री काइंड्स ऑफ लव्स आर व्हाट वी हैव इन पाकिस्तान. ग्रेट, थैंक यू वेरी मच अली सलमान. और इंटरेस्टिंग कि अली ने हमें तीन डेफिनेशंस दी मोहब्बत की, तो आइए देखते हैं कि साहिर लोधी किस तरह इसका जवाब देते हैं. साहिर, वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो. थैंक यू वेरी मच मेरीन. अली चार भी दे सकता था, अली ने मोहब्बत जितनी की है उतनी डेफिनेशन देगा. बट एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, पहली बात तो ये देखें, मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ, मुझे उल्टी सीधी बात करने की आदत नहीं है. आई डोंट थिंक कि लोग मेरे बारे में खिलाफ भी करेंगे जो बात मुझे कहनी है. ये जो आपकी तकरीर है ये किसी मजहबी जमात के लीडर की तो हो सकती है, उसकी नहीं है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता. मैं 14 साल बाहर रहा हूँ, 14 ईयर्स आई लिव्ड अब्रॉड. मेरा ब्रॉटअप वहाँ का है. जब मैं यहाँ पर आया तो लोग मुझसे पूछने लगे कि आपको उर्दू इतनी अच्छी कैसे आती है. मैं पाकिस्तान से गया था, पाकिस्तान मुझ में से कभी नहीं गया था. और दूसरी बात, बाहर लोग जो रहते हैं वो वतन से प्यार नहीं करते. आप वतन में रह के क्या कर रहे हैं? आपको अगर मौका मिल जाए पाकिस्तान के अंदर रहता, वो है जिसको चांस नहीं मिलता. आप मुझे बताएं, अगर ऐसी बात है तो यूके की एम्बेसीज के बाहर लाइन क्यों है? यूएस की एम्बेसीज के बाहर लाइन क्यों है? वीजे के लिए वो अप्रोच क्यों करते हैं? और दूसरी बात ये, लेट मी टेल यू अनदर थिंग, अनदर फैक्ट, जिसको शायद हम लोग मानने से घबराते हैं, कतराते हैं. इन्होंने कहा ना कि वो दुबई के अंदर बना दिया. दुबई के अंदर जिन लोगों ने बनाया उनकी भी अब्रॉड एजुकेशन थी. एक और बात, वो जब वहाँ गए तो उन्होंने अंडर सुपरविजन ऑफ अदर पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज उनके काम किया. आप मुझे बताइए, छोटा सा फैक्ट है, पाकिस्तान के अंदर आप रहते हैं, आप यहाँ कभी लाइन नहीं बनाते. दुबई एयरपोर्ट पर आप जाते हैं, इमीडिएटली आप चेंज हो जाते हैं. वाई, वट डज हैपन टू यू? बिकॉज आपको लॉ का डर होता है, आपको पता होता है कि उसने क्या करना है अगर आपने कुछ किया. यहाँ पर आपने इसको अपने बाप की जागीर समझा, इस मुल्क को. ये सब बेकार सी बातें हैं जो आप कर रहे हैं या आप जैसे हजारों लाखों लोग करते हैं, करोड़ों लोग करते हैं, जिसमें कभी कभी मैं भी शरीक होता हूँ. यू नो कि पाकिस्तान से मोहब्बत है, हमको पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान से मोहब्बत है. पाकिस्तान से मोहब्बत इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप अखबार में बयान दे दें. पाकिस्तान से मोहब्बत इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप पाकिस्तान के अंदर रह के उसके लॉ को अबाइड ना करें. पाकिस्तान से मोहब्बत इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप पाकिस्तान में रहें और आप अपनी बहू बेटियों को खत्म करें, कत्ल करें, डाके डालें. पाकिस्तान से मोहब्बत इस चीज़ का नाम नहीं है. और अब वक्त है इस स्टूडियो ऑडियंस का कि ये सवालात करेंगे दोनों टीम से. सो लेट्स टेक सम क्वेश्चंस. जी, हु इज गॉट द फर्स्ट क्वेश्चन? इट्स मोहम्मद काशिफ हियर. आई थिंक इज दैट आई सेइंग दैट पीपल लव पाकिस्तान देयर अब्रॉड. दिस इज थिंग आई गिव जस्ट एग्जांपल हियर. इफ यू आर सो फार टू बी फ्रॉम कंट्री, यू आर फार टू फायर व्हिच इज ऑन इन कंट्री, यू नो यू कैन नॉट इवन फील इट. हाउ कैन यू ब्लो आउट दैट फायर देन? मुल्क से बाहर रह के मुल्क में जो आग लगी हुई है वो कैसे बुझाएं? आपने मुल्क में आग रहते हुए अंदर बुझा ली? सुनिए, आग लगाई किसने? एक मिनट बेटा, मेरी बात को आप गौर से सुनिएगा. ट्रस्ट यू मी, जो लोग मुल्क से बाहर रहते हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, आपके इमेज को प्रोटेक्ट करते हैं. आपने मुल्क की बात की कि मुल्क के अंदर रह के आग लगाई, किसने लगाई ये आग? क्या आपको नहीं पता कि तालिबान कभी ख़त्म नहीं होंगे? क्या आपको नहीं पता कि तालिबान अमेरिका की रोटी है? क्या आपको नहीं पता कि आप हर चीज़ को बाव करते हैं? क्या आपको नहीं पता कि पिछले 62 साल के अंदर आपने कितना कर्जा लिया है? क्या आपने कभी उनको कैलकुलेट करने की कोशिश की, जिन प्रोजेक्ट के अगेंस्ट आपने कर्जा लिया है उसकी तादाद कितनी है, और जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं उसकी तादाद कितनी है? क्या आप नहीं जानते कि किसका माजी कैसा है? क्या आप नहीं जानते कि लोग दो दो मरतबा इस मुल्क में रहते हुए इलेक्ट हुए हैं? आप किस हक की बात कर रहे हैं? बाहर मुल्क में रह के बाहर के जो लोग रहते हैं, कम से कम उनके पास एक काम है. Let me tell you, जो लोग बाहर जाते हैं वो सिर्फ काम के लिए जाते हैं, and that is it. Let's see कि ये जो स्टूडियो ऑडियंस है जिन्होंने बिगिनिंग में 50-50 का वोट दिया था इस करारदाद पे, let's see अगर इनकी राय बदली है. तो स्टूडियो ऑडियंस, अगर आप इससे इत्तेफाक करते हैं तो ग्रीन कार्ड उठाएंगे, अगर आप इसके खिलाफ हैं तो रेड कार्ड उठाएंगे. You've listened to all the speeches, think about it, make up your mind. Audience, vote now. Yeah, it's close, but the Greens have taken it by 60-40.